तो हाय गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी डू नॉट बाय चीप या अल्ट्रा चीप PSU। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं हमें अल्ट्रा चीप और चीप PSU क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चीप और अल्ट्रा चीप, मतलब चीप ठीक होती है, मतलब PSU चीप जो PSU होती है वो ठीक होती है, लेकिन इतना भी नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई एंड और अच्छी होती हैं। लेकिन हाँ, आपका इंटर पेटीएम G4560 या कोई i3 आपका प्रोसेसर चला देंगी, लेकिन आपको चीप जो चीप होती है ना, चीप पावर सप्लाई, उस पर आपको ज़्यादा हैवी वर्कलोड नहीं डालना है, क्योंकि यार वो इतना कर ही नहीं सकती। इसलिए और एक बात और, अगर आप अल्ट्रा चीप ले रहे हो ना, अल्ट्रा चीप तो आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा चीप जो होती हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं, और जो आपका ग्राफिक कार्ड है ना, उसे भी क्रैश कर सकती है। इतना तो नहीं, लेकिन ग्राफिक कार्ड पे थोड़ा असर डाल सकती है, और चीज़ों पे असर डाल सकती है, क्योंकि यार वो ही करंट पास कर रही है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए जो आपकी घर है, घर में अब इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर आपने कोई अच्छे मतलब तारे लगाई है, अच्छे हुआ आपने मीटर फिक्स किया है, और मतलब फिर तो आपके यहाँ अच्छी बिजली आएंगी। अगर आपने सब घटिया माल लिया है तो आपके मतलब चीज़ें सड़ जाएंगी, यस मतलब आपको पता ही है। अब मान लीजिए, चलो मैं आपको एक और एक्सप्लेन करने के लिए एक और उदाहरण देता हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए आपके पास बहुत तगड़ा मोबाइल है, मतलब बड़ा मोबाइल, अच्छा क्वालिटी का बड़ा पूरा, या आपके पास टैबलेट है, मान लीजिए आपके पास टैबलेट है, तो आपने अगर उस पर कोई चीप वाला छोटा चार्ज लगा दिया, चीप वाला, तो क्या उसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना चार्ज। वही बात पावर सप्लाई में होती है, आप एकदम अल्ट्रा चीप पावर सप्लाई ले लेते हो एकदम ख़राब क्वालिटी की, तो कहाँ आपके PC को इतना कर पाएगा। ऐसे चला तो देगा, लेकिन आपके जो होते हैं ना, मतलब मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, CPU, वो सबको थोड़ा थोड़ा उसकी पावर को कम कर देंगे और ख़राब कर देंगे। ऐसे तो नहीं एकदम एक दिन में ख़राब कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़े से धीरे धीरे उसे ख़राब कर देंगे, करंट अच्छा पास नहीं कर पाएगा। और इसके क्या पता आपका पावर सप्लाई ज़्यादा दिन चले भी ना, मतलब क्योंकि वो तो अल्ट्रा चीप है ना, उसके साथ आपको इतनी अच्छी वारंटी नहीं मिलेंगी, कम वारंटी मिलेंगी। और इधर मतलब मान लीजिए आप एक और पावर सप्लाई आती है, मान लीजिए आपने कोई कैबिनेट ले लिया, उसके साथ आपको जो है, मतलब मान लीजिए आपने कैबिनेट लिया, उसके साथ आपको पावर सप्लाई मिली। कौन सी पावर सप्लाई? उस कंपनी का नाम आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको पावर सप्लाई का नाम? क्योंकि वो एकदम जो है देसी कंपनी, यानी कि चीप और देसी कंपनी या चाइनीज़ कंपनी, ऐसी कंपनी की है, और अच्छी जो अच्छी कंपनी है उस कंपनी की वो नहीं है। तो भाई आपका अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे ना वो, तो यही बात होती है। और एक बात और, अगर आप ले रहे हो कोर्सर की, जैसे Core SVS और कोर्सर CX या कोर्सर की या कूलर मास्टर या कोई और कंपनी की, तो वो तो अच्छी आएंगी क्योंकि वो महंगी होती हैं। मान लीजिए आप Zebronic की ले रहे हो, Zebronic गोल्ड 80+ गोल्ड वाली, तो बहुत अच्छी होंगी यार। मान लीजिए आप पावर सप्लाई ले रहे हो ना, तो अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। अगर आप 450 वाट की पावर सप्लाई भी ले रहे हो ना, 2000 की या 2500 की पावर सप्लाई तो हो ही, क्योंकि यार पावर सप्लाई आपकी मेन पावर होती है, पावर सप्लाई मेन चीज़ होती है, क्योंकि यार वो ही करंट पास करती है। मान लीजिए एक और उदाहरण दे देता हूँ कि देखिए, अब आप चार्ज लगाते हो, ठीक है, मोबाइल को, आप ऐसे तो नहीं करते ना क्या सीधे तार लगा देते हो? मान लीजिए आपने बोला यार मेरा चार्ज तो ख़राब हो गया, अगर आप ऐसे तो नहीं करोगे कि यार तारे फिट कर दोगे उसमें और वो लगा दोगे, वैसे ज़्यादा करंट जाएगा और आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी हो जाता ना, इसका फट जाए या कुछ, तो ही होता है दोस्तों। करंट अच्छे से पास करना वाला होना चाहिए, करंट पास करती है आपकी PSU, वही मेन है आपकी, इतनी भी नहीं लेकिन हाँ मेन है।
क्योंकि वही सब करंट देती है। अगर वो अच्छे से करंट नहीं दे पाएंगी तो भाई आपका सिस्टम, आपकी मशीन कैसे चलेगी? क्योंकि यार मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई अच्छे से करंट पास नहीं कर पाई तो आपका GPU कैसे चलेगा, आपका CPU कैसे चलेगा? ठीक है, क्रैश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यही होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी, मतलब पहली वीडियो मतलब PSU के ऊपर, तो लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ PSU अच्छी लेनी चाहिए भाई, अच्छी अच्छी PSU लो, लेकिन वही दुकान वाले से पूछ लो। और एक बात और, पहले अपने PC कंपोनेंट देखो, आपके पास CPU, ग्राफिक कार्ड और एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, उसके हिसाब से PSU लो। ऐसा नहीं है मान लीजिए आपके पास i3 है और आपके पास GPU है नहीं, i3 है और वो जो चीज़ें हैं वो तो इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें तो कम करंट चाहिए, उन्हें वो तो कम वाट वाली पावर सप्लाई से भी चल जाएंगी। और आप लगाए बैठे हो कोर्सर की पूरी 6 वाट, मतलब 6 वाट की, मतलब 600 वाट या 650 वाट की, 700-750 वाट की, ऐसा भी नहीं होता, ठीक सी पावर सप्लाई ले लो। अगर आप बोल रहे हो 20,000 PC यानी कि 20,000 का अगर मुझे PC फुल सेटअप करना, तो उसमें तो भाई 450 या 550 की आपको पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। ऐसे पावर सप्लाई अच्छी लेनी चाहिए कंपनी की, ज़ेब्रोनिक कंपनी अच्छी होती है, कोर्सर, व्यंजन, कूलर मास्टर और भी एक्सेट्रा कंपनी अच्छी है। बस ये ध्यान में रखना का यार, अच्छी और महंगी पावर सप्लाई ही लेना, कभी ऐसे नहीं का यार चीप में चले जाए, अच्छा नहीं होती चीज़। और ऐसे में आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए आप कोई कार ले रहे हो, ठीक है, कार आप लेने गए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे यार मुझे 20,000 में कार दे दे, 20,000 वाली कार 20,000 आपने दिया है तो 20,000 वाले रुपए के जितना ही हो चलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 20,000 की कार ली तो 10,00,000 की कार के जैसे चल जाएंगी और वो ज़्यादा देर काटेंगी या भाई ऐसे मतलब रॉकेट के तरह भागेंगी, बल्ले बल्ले शावा शावा कराएंगी, यार इतना नहीं होता यार। इसलिए पावर सप्लाई अच्छी लेनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई कोई भी कार ले ली। जैसे कार की धारण दी थी मैंने, कार भाई देखिए जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे होती है ना, और जो मतलब जिस चीज़ में यार इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होते हैं ना मशीन्स, इनकी लाइफ होती है एक लाइफ, और लाइफ यार इनकी एक मतलब सालों की होती है, कई सालों की वैसे, तो उसके बाद ये काम नहीं कर पाते, तो आपको ध्यान में रख के लेना चाहिए PSU। और अब आप देखोगे कोर्सर की VS55 जो आती है उसकी वारंटी पता है कितने साल की है? कईयों को पता भी होगा लेकिन अगर कईयों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, 10-10 साल की, 10-10 साल की वारंटी आती है PSU की, जो कोर्सर की आती है, कूलर मास्टर फोरों की भी 10-10-15-15 साल की वारंटी क्यों आती है? क्योंकि उन्हें पता है इससे ज़्यादा चलेगा। मान लीजिए आपने मोबाइल ले लिया, उस पर 1 साल वारंटी लिखा है, ऐसा तो नहीं भैया वो 1 साल चलेगा फिर बाद में ख़राब हो जाएगा, आप बोलोगे ये क्या है यार 10 साल में ख़राब होगा। उन्हें पता है, मान लीजिए उन्हें वो कोई कंपनी है तो वो चीज़ बनाती है और देखती है, वो पता कर लेती है कहा यार हमने चीज़ बनाई है, वो देखेंगी कि यार 2 साल चलेंगी तो वो 1 साल का बता देती, क्यों ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते ना ऐसे ही। उन्हें पता है कि यार हम अगर पावर सप्लाई की वारंटी 10 साल देते हैं तो ये 10 साल से ज़्यादा चलेंगी। मान लीजिए आपको 10 साल की वारंटी दी, 12 साल, 15 साल, 20 साल चल गई, तो ऐसा ही होता है। और अच्छी पावर सप्लाई भी बहुत अच्छी होती है, मेन होती है, इसलिए डू नॉट बाय चीप या अल्ट्रा चीप पावर सप्लाई। और एक बात और, डू नॉट यूज़ कैबिनेट पावर सप्लाई, ठीक है। इसके बाद वीडियो को हम करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को इतने ज़ोर से प्रेस करना का स्क्रीन टूट जाए और लाइक बटन बाहर निकल आए,
और आप उसके साथ खेलने लग जाओ। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक के ऊपर 2 पंजे मारें जिस कारण आपको डिसलाइक मिल जाए। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे और आपका पेट दुखने लग गया हो हंस हंस कर और वीडियो से खुश हो गए हो तो भाई सब्सक्राइब बटन को दबाओ और साथ ही बेल आइकन को इतने जोर से दबाओ आपके कान के पर्दे फाड़ जाए बेल की आवाज़ सुन के। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।